हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जन्मदिन पूजन हो, कोई छोटा सा भी कार्य हो, बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, या घर में रोज की पूजा हो, तो हम उसमें दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं दीपक? दीपक जो है साक्षी होता है, माँ अग्नि जो है साक्षी होती है हर चीज की, कि आपने जो कर्म किया, देखिए आप कुछ कर्म कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो प्रभु को कैसे पता चलेगा? जिसके निमित्त आप पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अग्नि को साक्षी माना जाता है। जब हम कोई फेरे भी लेते हैं तो वहां भी अग्नि को साक्षी माना जाता है। तो यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे जो दीपक जलाते हैं अग्नि को साक्षी मानते हैं वहां पे, कि हे अग्नि माता, हम तेरे समक्ष कार्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे पूजा पाठ को स्वीकार करना और भगवान तक पहुंचाना। इसीलिए जो हम दीपक को जलाते हैं। धूप से ज्यादा दीपक का विधान है, धूप भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन दीपक का ज्यादा विधान है, महत्ता है। अब बात आती है कि हम दीपक किसके नाम का जलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था तो कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, उल्टा ही उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखिए, मैंने उनसे कहा कि आप पूजा पाठ क्या करते हैं? बोलो, मैं रोज दीप जलाता हूँ, धूप जलाता हूँ, आरती करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो हमने कहा, आप दीपक किसके नाम का जलाते हैं? कहते हैं, मैं सबके नाम का दीपक जलाता हूँ। सब कौन? कहते हैं, मैं सब शिव जी और माता दुर्गा और माता काली जो है, हनुमान जी, सब सबके नाम का मैं दीपक जलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी आपके नाम का दीपक है, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, यही तो आप गलती कर रहे हैं। अब यदि आप एक थाली में भोजन रख दे, 10 आदमी बैठे हैं वहां पर, भोजन रख दे, आप कुछ भी ना कहे और थाली वहां रख दे, तो किसको, तो वो कौन तो वो खाना खाएगा, कौन वो भोजन ग्रहण करेगा? पहली बात तो आपने कहा ही नहीं, उसके ऊपर फिर उनकी लड़ाई भी हो सकती है। एक कहेगा ये मेरे लिए है, दूसरा कहेगा मेरे लिए है, तीसरा कहेगा मेरे लिए। फिर उन सबका गुस्सा जो है अंत में खाएगा तो कोई एक ही, ठीक है, अंत में फिर सबका जो है वो इंसान, क्या उस इंसान ने तो अच्छे के लिए दिया वो भोजन, लेकिन वो भोजन तो किसी एक ने ग्रहण किया, लेकिन जो 9 लोग और थे वहां पे, वो लोग जो है उसके दुश्मन बन गए, क्रोधित हो गए उसके ऊपर। इसको या तो नाम देके देना चाहिए था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही होता है, दीप जब हम जलाते हैं, बहुत से भगवान को हम सामने रखे हैं, ठीक है, और फिर हम दीप जला रहे हैं, कहते हैं जी लो आप सबके नाम का दीप है, तो वो इसमें परेशान हो जाएंगे देवी देवता कि किसके नाम का दीपक है, कौन आएगा उस दीपक। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जब भी आपने कभी दीपक जलाना है तो दीपक देखिए दो के ही नाम का जलता है, कुलदेव या कुलदेवी। यदि आपके कुल देवता और कुल देवी दोनों है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों के नाम से भी उनको दीपक को जला सकते हैं। यदि अलग अलग जलाना है तो भी जला सकते हैं, ठीक है। एक दीपक जो हम जलाते हैं वो कुलदेवी या कुल देवता या फिर इष्ट देव। यदि कुलदेवी का पता है तो उसके नाम का दीपक जलाइए, यदि कुल देवता का पता है तो उसके नाम का दीपक जलाइए, यदि दोनों में से किसी का भी पता नहीं है तो आप इष्ट देव के नाम का दीपक जलाइए। अब इष्ट देव कौन होते हैं? इष्ट देव वो होते हैं जिनको देख के, ठीक है, जिनका नाम सुन के हमारे मन के अंदर एक भाव पैदा होता है,
अपनापन एक भाव पैदा होता है वो इष्ट देव होते हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था है। कुछ लोगों की आस्था माँ काली के ऊपर है, माँ दुर्गा के ऊपर है, कहीं के राम जी के ऊपर है, कहीं के कृष्ण जी के ऊपर है, किसी की आस्था शिव के ऊपर है, तो अपनी अपनी बात है। किसी के साईं बाबा के ऊपर है, तो जिसकी जहां आस्था है, ये सारा खेल हमारा नहीं होता है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, मेल है। हमारी आत्मा जो है जहां से आई होगी वो वहीं कनेक्ट होती है, ये हम नहीं समझ सकते। ठीक है, वरना तो एक ही माँ बाप के बच्चे, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, तो इसका कारण क्या है? वो जो है अलग अलग जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो किस किस प्रमाण से आई है उनके अंदर, शरीर के अंदर, वो अपने अपना जो है परमात्मा को ढूंढती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यही बात आती है यहां पर कि आप जो है दीपक जो है या तो इष्ट देव के नाम का जलाइए, केवल आप पूजा सब की कर सकते हैं, आप आराधना सब की कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक जलेगा वो या कुल देवता का जलेगा या इष्ट देव का जलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ऐसा करना शुरू कीजिए। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से पहले वैसे तो मंत्र है, ठीक है, मंत्र होता है इसके लिए, मंत्र नहीं आता है तो आप यही कहिए कि धूप जलाने से पहले, दीप जलाने से पहले कि हे मेरे इष्ट देव महाराज या हे मेरे कुल देवता महाराज, मैं आपके नाम का धूप दीप जला रहा हूँ, ये धूप दीप जो है आप स्वीकार कीजिए, ये धूप दीप जो है आपके नाम का जला रहा हूँ, ये बात आपको वहां पे कहनी है, फिर वो इष्ट देव कुलदेव उस पे विराजमान होंगे, बाकी देवताओं को भी वो नियंत्रित करेंगे। ठीक है, बाकी सब समझ जाते हैं, क्योंकि इष्ट देव और कुलदेव सबसे ऊपर होते हैं, कुल देवता सबसे ऊपर होते हैं, इष्ट देव तो सबसे ऊपर होते हैं, फिर कोई भी देवी देवता आपके ऊपर क्रोध नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य स्तंभ होते हैं हमारे, ठीक है, कुल देवता और इष्ट देव ये मुख्य स्तंभ होते हैं, इनके नाम का जब दीपक जल गया तो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो आप भी यदि ऐसी गलती कर रहे थे आज तक तो अब ना करें। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।